नमस्कार, सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल हिंदी की बोलियां का दूसरा भाग कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हिंदी की बोलियों के बारे में अध्ययन आरंभ किया था और हमने देखा था कि हिंदी की जो हमारी पांच उपभाषाएं हैं उनसे संबंधित जो उनकी बोलियां हैं उनका साहित्यिक महत्व और उनका क्षेत्र जहां वे बोली जाती है उसके बारे में हमने चर्चा आरंभ की थी। अब हम जो हमारी बची हुई जो बोलियां हैं जो शेष रह गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि हिंदी की हमारी पांच उपभाषाएं हैं और पांच उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी क्या है 17 बोलियां हैं और उन 17 बोलियों के संगठित समूह का नाम क्या है हिंदी है। अब उन उपभाषाओं में जो बोलियां दी गई हैं वो जो उनमें कई बोलियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा गया है, चर्चित साहित्य लिखा गया है जो आगे जाकर भाषा विभाषा का भी कार्य करती है। तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आती है हमारी उपभाषा कौन सी है राजस्थानी और राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थान की जो राजस्थानी जो हमारी भाषा है उसकी जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं पश्चिमी राजस्थानी में उसको क्या नाम से जानते हैं मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी को किस नाम से जानते हैं ढूंढाड़ी। जो पश्चिम का प्रदेश है हमारा पश्चिमी राजस्थान का प्रदेश है बीकानेर है या हम कहते हैं जोधपुर है इधर की साइड कौन सी भाषा बोली जाती है पाली है मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थान जो अपने पूर्वी राजस्थान है इधर कौन सी बोली जाती है जयपुर की तरफ ढूंढाड़ी। उत्तरी राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है मालवी। प्रतापगढ़ का क्षेत्र है कोटा है झालावाड़ वाला जो एरिया है वो कौन सा है दक्षिणी राजस्थान का है इसमें कौन सी बोली जाती है मालवी। अब देखिए अब इस मारवाड़ी ढूंढाड़ी मेवाती और मालवी ये हमारी चार प्रमुख बोलियां हैं। इनकी भी उपबोलियां हैं बहुत सारी जो राजस्थान में आमतौर पर उनका प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। अब राजस्थान की भाषा में देखें कि विशेषता देखें तो डिंगल व पिंगल शैली राजस्थानी में पाई जाती है। डिंगल और पिंगल शैली ये लेखन की वह शैली है कई जगह इसका इसके लिए बोली का प्रयोग किया गया है कई जगह लेखन में इसके लिए शैली का प्रयोग किया गया है। वीर गाथाओं के लिए डिंगल शैली और प्रेम की कल्पना के लिए पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता रहा है। राजस्थानी में रासों काव्यों की रचना हुई है। आदिकालीन जो साहित्य है वह प्राय ज्यादातर किस भाषा में राजस्थानी में ही लिखा गया है तो रासों काव्यों की रचना इसमें हुई है। लोक साहित्य बहुत इसमें रचा गया है और भक्तिकालीन काव्य की भी ये प्रमुख भाषा रही है। तो राजस्थानी जो है हमारी वह इसमें है कितनी बोलियां उसकी चार प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी पूर्वी राजस्थानी उत्तरी और दक्षिणी जिनके नाम ये है मारवाड़ी ढूंढाड़ी मेवाती और मालवी। शैली कौन कौन सी है डिंगल और पिंगल शैली है। क्या है महत्वपूर्ण है रासों काव्यों की रचना हुई है लोक साहित्य रचा गया है भक्तिकालीन काव्य है। हमारे जो संत कवि हैं सुंदरदास जी हैं उन्होंने राजस्थानी भाषा का बहुत प्रयोग किया है या हम कहें चंदबरदाई हैं उन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं तो बहुत सारे कवि कल्लोल हैं बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं कवि रहे हैं आदिकाल में भक्तिकाल में जिन्होंने राजस्थानी को बहुत ही अच्छे प्रकार से उनका प्रयोग किया है। तो राजस्थानी जो है हमारी साहित्य की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध भाषा कही जा सकती है। तो राजस्थानी हो गई। अब हमारी जो इसकी बोलियां हैं इसको आप नोट कर सकते हैं हमारी बोलियां हो चुकी हैं। अब हमारी शेष जो बची हुई है वो कौन कौन सी है देखिए तीन उपभाषाएं हमारी हो चुकी हैं पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। अब है हमारी बिहारी अगली उपभाषा आती है हमारी चौथी आपको भाषा जो कौन सी है बिहारी और बिहारी की तीन बोलियां हैं कौन कौन सी हैं पहली है
12 हो गई हमारी, 12 और 3 15 12 13वीं है मैथिली, मैथिली। अभी मैथिली जो क्या है, ये मिथिला प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा थी। मिथिला प्रदेश बिहार और नेपाल के समीपवर्ती एक क्षेत्र था, जो अब प्राय उसका ज्यादा हिस्सा कहां पर है, नेपाल में है। बिहार के आसपास के क्षेत्र में मिथिला प्रदेश है, और वहां पर कौन सी भाषा बोली बोली जाती है, मैथिली बोली बोली जाती है। तो किसकी है, मिथिला प्रदेश की भाषा है। मिथिला प्रदेश की भाषा, मिथिला प्रदेश की भाषा है। और कहां लोकप्रिय है, बिहार में, ये लोकप्रिय रही है। इसके प्रसिद्ध कवि कौन है मैथिली के, विद्यापति। इसके लोकप्रिय कवि रहे हैं। देखिए, मिथिला प्रदेश की भाषा है, बिहार में बहुत लोकप्रिय रही है उस क्षेत्र में, और विद्यापति इसके लोकप्रिय कवि हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। जयदेव भी इसी प्रांत से उनका संबंध था। जयदेव संस्कृत के प्रख्यात कवि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, और विद्यापति इस क्षेत्र के, इस मिथिला प्रदेश के मैथिली के बहुत ज्यादा चर्चित कवि माने जाते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो बिहारी की पहली कौन सी है बोली अपनी, मैथिली है। दूसरी कौन सी है, मैथिली भोजपुरी। भोजपुरी में देखें, यह बिहार क्षेत्र की महत्वपूर्ण बोलियों में से है। बिहार क्षेत्र की महत्वपूर्ण बोलियों में से है। बिहार क्षेत्र की महत्वपूर्ण बोली है। राजा भोज के द्वारा जो एक भोजनगर गांव था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है भोजपुरी। और इसका क्षेत्र क्या है, चंपारण है। बिहार का क्षेत्र ज्यादा है इसका, चंपारण, मिर्जापुर, जौनपुर, कुछ यूपी का क्षेत्र भी आता है इसमें, आजमगढ़ आदि। आजमगढ़ आदि यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। तो यूपी भी में भी है, और बिहार के कुछ क्षेत्र में, बिहार के और यूपी के कुछ क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। अब यहां इसमें क्या है, इसमें लोक साहित्य की काफी रचना हुई है। लोक साहित्य और बाहर बोली जाने वाली बोलियों में सबसे ज्यादा जो चर्चित बोली रही है वो कौन सी है, भोजपुरी बोली बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या अन्य बोलियों की तुलना में सबसे ज्यादा है भोजपुरी की। और अब अंतिम है हमारी मगही, इसे मागधी भी बोलते हैं, मगधी। ये कहां है, मगध प्रदेश की बोली है। मगध प्रदेश की बोली, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है, पटना, गया, हजारीबाग। तो मगही, मगही जिसे मगधी बोलते हैं, ये किसकी, मगध प्रदेश की बोली है। और क्षेत्र कौन सा है, पटना है, गया है, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। तो बिहारी की हमारी तीन बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही, इसे मागधी भी बोलते हैं। अब
तीन बोलियों को सम्मिलित करते हो हमारी कुल बोलियां हुई यहां तक 15, और हमारी 17 में से दो बोलियां बची हैं वो किसकी हैं? पहाड़ी की। पहाड़ी की दो बोलियां हैं, एक तो कुमाऊनी है, एक कौन सी है? गढ़वाली है। तो इस प्रकार से हमारी 17 बोलियां होती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी अंतिम है, पांचवी उपभाषा है पहाड़ी, और इसकी कॉमन सी बोलियां हैं? सोलवी है ई, गढ़वाली, गढ़वाली। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है। तो कहां पर है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र की बोली है, और इसमें ज्यादा कोई बहुत उच्च स्तरीय साहित्य इसमें ज्यादा निर्मित नहीं हुआ है। लोक साहित्य भी इसमें बहुत क्या है, कम मात्रा में इसमें हमें लेखन में आया है। तो एक सामान्य परिचय, गढ़वाली कहां? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। 17वीं है कुमाऊनी, और ये उत्तराखंड के ही कुमाऊं या कह सकते हैं कूर्मांचल क्षेत्र के नाम पर क्षेत्र में लोकप्रिय है। क्षेत्र कौन सा है इसका? कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है उत्तराखंड में? ये अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्र। कुछ हमारी हिंदी की बोली जाती है पहाड़ी में, हमारी गढ़वाली है जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के, इसमें ज्यादा लोक साहित्य रचा नहीं गया है। अगली कौन सी है? कुमाऊनी है, उत्तराखंड के कुमाऊं या कूर्मांचल क्षेत्र में क्या है, ये लोकप्रिय है। कहां बोली जाती है? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में इसका प्रचलन पाया जाता है। तो ये हमारी कुल 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और उनसे जुड़ी हुई हमारी 17 बोलियां हैं, उनका हमने आज अध्ययन किया है। इस प्रकार से हमारी हिंदी की बोलियों का हमारा अध्ययन अब समाप्त होता है, और इसके बाद अब हमारे लिए आती है कि अब हम हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बाद हमें देवनागरी लिपि जो है हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है जिसके बारे में, तो देवनागरी लिपि के विकास और उसके विशेषताओं के बारे में हमें चर्चा आरंभ करनी है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसके विकास के बारे में हम चर्चा अपनी अगली क्लास में आरंभ करेंगे।